इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है कोऑपरेशन वर्सेस कोऑर्डिनेशन। मैंने अभी बताया कोऑपरेशन क्या होता है, कि मैंने अगर बोला हाँ मैं तैयार हूँ काम को करने के लिए इंडिविजुअली, जब आप किसी से पूछ रहे हो कि आर यू रेडी टू डू दिस वर्क एंड ही सेज यस, देन यू विल से कि वो कोऑपरेट कर रहा है, यही बोलते हैं। तो यहाँ पे ये समझ लो कि कलेक्टिव वॉलेंट्री एफर्ट्स, कलेक्टिव यानी एक साथ, वॉलेंट्री यानी कि अपनी मर्जी से, मतलब कोई कोई फोर्स का यूज़ करके नहीं उससे हम हाँ बुलवा रहे कि हाँ तू रेडी हो जा काम करने के लिए, बल्कि इट्स अ वॉलंटरी एफर्ट जो वो विलिंग है डालने के लिए टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव, दैट इज विलिंगनेस टू हेल्प। लेकिन क्या कोऑर्डिनेशन ये है? कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन से बड़ी टर्म है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इज मोर इंक्लूसिव बिकॉज इट इज़ अ कॉन्शियस एफर्ट टू ब्रिंग यूनिटी ऑफ एक्शन रिक्वायरिंग द कॉन्करेंस, कॉन्करेंस यानी एक ही टाइम पे होना, ऑफ द पर्पस हार्मनी ऑफ एफर्ट एंड कंसर्टेड एक्शन, यानी कि वही आपका पर्पस, आप एफर्ट जो भी करो सब में जो कॉन्करेंस आना जरूरी है, यानी कि एक ही टाइम पे हो, ऐसा ना हो कि इंडिविजुअली हो रहे हैं, बिकॉज अलग अलग डायरेक्शंस में कोई भी वर्क होगा वो नहीं होगा। यू हैव टू इंश्योर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन तभी आता है। देन अगर कोई डिफरेंस पूछ ले, मेन डिफरेंस ये है कि जैसे मैंने बोला ना, टाइम, क्वान्टिटी, डायरेक्शन, ये एलिमेंट्स होते हैं जो कोऑर्डिनेशन के, ये कोऑपरेशन के नहीं होते, तो ये एक डिफरेंस है। देन इंटरडिपेंडेंस, देखो कोऑपरेशन छोटी टर्म है, कोऑर्डिनेशन मोर इंक्लूसिव है, तो कोऑपरेशन होगी तो कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी नहीं है, कोऑपरेशन तो छोटी चीज़ है ना, तो कोऑपरेशन अगर हो रही है इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोऑर्डिनेशन भी इंश्योर हो चुकी है। और हाँ, कोऑर्डिनेशन का बिना कोऑपरेशन के कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बिना कोऑपरेशन के आ ही नहीं सकती, जब तक लोग विलिंग ही नहीं होंगे काम करने के लिए, आप उनको सेम टाइम पे क्या ही लाओगे, सिंक्रोनाइजेशन क्या ही करोगे जब वो तैयार ही नहीं है काम करने के लिए, समझ लो। तो कोऑपरेशन जो है एक तरह से फाउंडेशन की तरह काम करता है, कि उसके बिना तो कोऑर्डिनेशन का कोई वजूद ही नहीं है, कुछ उसको कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एग्जाम्पल इन्होंने वही दे रखा है, फाइव पीपल विलिंग टू मूव अ कबर्ड इज कोऑपरेशन बट दे के नॉट डू इट अनलेस कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉड बाई समवन टू इंश्योर वही राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट इन राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ठीक है।